आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आखिरकार दबाव में आके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी पर हमारी विशेष पेशकश के लिए हम आपको सीधे लिए चलेंगे अब से कुछ ही देर में भोपाल, जहां से हमारे सहयोगी राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के लोग होंगे, वहां पर बीजेपी कांग्रेस तमाम पार्टियों के नेता होंगे। चर्चा होगी कि अब जबकि सीबीआई से हो रही है जांच, कहां कहां तक जाएगी इसकी आंच। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। व्यापम घोटाले में शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच की मांग मान ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट को सीबीआई जांच की चिट्ठी लिखने का फैसला लिया है। वहीं विपक्ष ने मांग उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हर एक मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है। व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जो 24 घंटे पहले सीबीआई जांच में खुद की लाचारी बयान कर रहे थे, लेकिन एक रात में ही अचानक नींद ऐसी गायब हुई कि न सिर्फ सीबीआई जांच के लिए खुद ही अदालत में सिफारिश भेजने को तैयार हो गए, बल्कि ये भी मान लिया कि जनता के दिलो दिमाग में घुमड़ते सवालों से और नहीं भागा जा सकता। जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। शिवराज को आखिरकार झुकना ही पड़ा, लेकिन विपक्ष को इतने भर से ही संतोष नहीं है। विपक्ष को इंतजार सर्वोच्च अदालत के फैसले का भी है, जिसमें इस मांग पर फैसला होना है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। सीबीआई की जांच अगर होती है तो जो हमारी मांग है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त एसआईटी के माध्यम से होना चाहिए। हमें अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस जांच को क्लोजली सुपरवाइज करे। अब अदालत में ही तय होगा कि व्यापम घोटाले की जांच कहां, कब और किस स्तर पर किसकी निगरानी में होगी। पर सवाल इस बात का है कि क्या घोटाले से जुड़े चेहरे बेनकाब होंगे। राहुल कंवल के साथ अमित जैन, भोपाल आज तक। आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मुद्दे पर आ रही हैं। जो सवाल उठाए गए उनका समाधान जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि जनता के मन में भी सवाल खड़े हुए, प्रदेश के बाहर ज्यादा सवाल खड़े हुए। जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, मैं बचता नहीं रहा, मैं रात भर जगता रहा। रात में मैंने पूरी गंभीरता से विचार किया और मुझे लगा कि आवश्यक हो गया है कि अब यह जांच सीबीआई करे। मैं इतना विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। पिछले दिनों जो प्रश्न खड़े हुए, जो सवाल पैदा हुए, उनका उत्तर निष्पक्षता के साथ मिलिए जरूरी है। लोकतंत्र में शासक को जो जनता का सेवक होता है, संदेह से परे होना चाहिए। तो क्या लोकलाज में लोकतंत्र के फैसले ले रहे हैं मुख्यमंत्री? ये एक प्रशासनिक फैसला है और उसमें आखिरकार जबरदस्त दबाव के बाद ही सीबीआई जांच की उन्होंने सिफारिश किया। ये आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे सहयोगी राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राहुल, आपके साथ हैं मध्य प्रदेश के तमाम नेता और तमाम लोग, क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच में अब भरोसा है? सीधे भोपाल से आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल, मेरे साथ इस वक्त है मध्य प्रदेश की जनता। पिछले कई दिनों से लगातार पीड़ा में, लगातार तनाव में, कई लोग खौफ में भी, और इस जनता के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो बहुत वरिष्ठ, बहुत अहम नेता।
मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं उमाशंकर गुप्त से। ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं और अहम बात यह है कि व्यापम डिपार्टमेंट जहां पर ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ ये फिलहाल इन्हीं की देखरेख में आता है। और आज हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव मोहन प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानते हैं। जोरदार तालियों से शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। उमाशंकर गुप्ता जी, सबसे पहले सवाल तो आपसे, कल आज तक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया और कहा कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा अगर सीबीआई को कहा जाता है, ऐसे वक्त पर जब हाईकोर्ट में इस मामले की पड़ताल चल रही है और हाईकोर्ट बहुत खुश। उन्होंने कहा कि कोर्ट की अवमानना होगी और कानूनी तौर पर तो ये संभव है ही नहीं। ये रात को उन्होंने 9:15 बजे हमें कहा। आज सुबह जब जगे तो जो कल तक कानूनी तौर पर इजाजत नहीं दे रहा था, एकाएक वो हो गया। क्या ऐसा 12 घंटे में बदला कि सरकार को जनता के दबाव के सामने झुकना पड़ा और कानून को बदलना पड़ा? राहुल जी, यही प्रजातंत्र की और शिवराज जी की विशेषता है। कि लेट में समझ में आता है? नहीं, आपको देर में समझ में आ रहा है। हाँ। शिवराज जी को समझने में बहुत टाइम लगेगा। 46 मौतों के बाद शिवराज जी को समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो आंकड़े गलत बोल रहे हैं आप शुरू से। 25 की लिस्ट हमने जारी की है सरकार ने, इसमें सीधे चश्मदीद है। मेरा कहना है कि इसके अलावा आज तक कोई सूची ना आप दे पाए ना कांग्रेस दे पाई है। 40-47 केवल बोल रहे हैं आप लोग, और यही नजाकत होना चाहिए इस प्रजातंत्र में। शिवराज जी ने इस बात को देखा और जब ये समझा कि जनता भी चाह रही है, मीडिया का ये जो पूरा वातावरण बनाया गया और उसमें लगा कि ये तो जो कहा उन्होंने आज भी कायम है। हमने सीबीआई को डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं किया क्योंकि वो इलीगल होता, आज भी हम कायम है। नहीं पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कल भी इंटरव्यू में मेरा कहना था यही कोशिश कि कोर्ट को दरख्वास्त कीजिए कि सीबीआई की जांच शुरू हो। ये तो एक महीने पहले, 2 महीने पहले आप 25 मौतें कह रहे हैं, 25 मौतें कोई कम होती हैं? 25 मौतें पहले हो सकता था। लेकिन ये अभी आप इसको कैसे कहते हैं कि वो व्यापम में कोई षड्यंत्र में मौतें हैं? मेरा कहना है कि अभी से ही हम अगर निर्णय निकाल लें तो हम सच्चाई तक नहीं जा पाएंगे। मृत्यु हुई है और उसमें ये भी सिद्ध है कि केवल जो अप्रकृतिक मौतें हैं वो 8 हैं, जो 6 एक्सीडेंट में हुई है, 2 सुसाइड हुआ है। 11 मौतें ऐसी हैं जो व्यापम की जांच शुरू होने के पहले, जुलाई 13 के पहले हो चुकी हैं। हम आंकड़ों को ऐसा तोड़ मड़ोकर देश भर में वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहा है कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। आंकड़ा 25 मौतों का है, आप 46 मौतें कहते हैं। 25 मौतें में भी हर मौत हत्या हो ऐसा नहीं, कुछ प्राकृतिक वजहों से भी मौतें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसे दर्शा रही है कि शिवराज सिंह चौहान या उनकी सरकार में बैठा कोई व्यापम घोटाले से जुड़ा कोई मास्टरमाइंड इन सब लोगों को मरा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि फिलहाल आपके पास रत्ती भर का भी एविडेंस नहीं है ये बताने के लिए कि इनमें से कोई भी हत्या रही। सबसे पहले हेलो जी, बोलिए, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो अक्षय सिंह जिनकी मौत हुई, और दूसरे हमारे पत्रकार साथी संदीप जिनको जला के मार दिया गया पत्रकार, इन दोनों को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मौत व्यक्ति की हुई है, आंकड़े के पीछे मत छिपी। 25 भी अगर है, क्या एक भी मौत इनके लिए मौत नहीं है? ये बात अहम है। 25 मौतें मंजूर हैं, 46 में एक ही सवाल करना चाहता जी कि जांच शुरू होने के पहले जो मौत हुई या उसके बाद जो मौत हुई, वजह क्या है कि 2009 से सबके संज्ञान में था कि ये घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री हाउस में कहते हैं कि ये घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी ये चलता रहा। ये बहुत अहम बात है, कौन रोकेगा? जवाब उमाशंकर जी आपको देना होगा। 2009 में पहली कंप्लेंट होती है कि भर्ती में घोटाला हो रहा है, 2010 में बड़े स्केल पर घोटाला होता है, 2011 में फेक भर्तियां होती हैं, 2012 में भर्तियां होती हैं, 2013 में ही सरकार को समझ में आता है कि अब आग बहुत लग गई, इसको बुझाने के लिए कुछ करना होगा, तब आप एसटीएफ में। प्रश्न ये नहीं है जी, प्रश्न ये है कि जैसे आज ये शिक्षा मंत्री जी, मैं इनकी बात नहीं कह रहा, 2008 से लेकर और 2012 तक, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट कर देंगे क्योंकि इतनी जानकारी मेरी नहीं है। मेडिकल शिक्षा के मंत्री खुद शिवराज सिंह जी चौहान जी, और उन्हीं के
मंत्रालय में ये सारे काम होते रहे, तो आखिर आपके मंत्रालय में लगातार ये कार्य चल रहा है और आप स्वीकार कर रहे हैं हाउस में कि ये हो रहा है, फिर उसके बाद रुकता नहीं है, जिम्मेदार तो आखिरकार पर्दे के पीछे वजह क्या रही, क्यों शिवराज सिंह चौहान को दबाव में आके सीबीआई को ये जांच सौंपनी पड़ी? मैं बात करना चाहता हूं इस वक्त अपने सहयोगी अमित जैन से, भोपाल में आज तक के ब्यूरो चीफ हैं। पर्दे के पीछे क्या हो रहा था इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कल आप इंटरव्यू के वक्त मौजूद थे, वो कह रहे थे कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, इससे पहले कई मरतबा ये क्या बदला 12 घंटे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 12 घंटे में जो बदला है, कल हमने जिस तरह से उन पर एक दबाव बनाया, दूसरा केंद्रीय मंत्री हैं, उनने भी एक प्रकार से जांच की मांग की, लगातार जिस तरह से मौतें हो रही हैं और इसको लेकर जो सच्चाई सामने आ रही है, मीडिया के जरिए सामने आ रही है, एक के बाद एक सामने आ रही है, उस पर एक दबाव बना है। और आज जिस तरह से कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने इस चीज को माना कि कहीं ना कहीं इस चीज की आज जरूरत है और तत्काल इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा, लेकिन अभी भी उन्होंने हाईकोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं, यदि वो सीधे जाते तो और ठीक। राहुल जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी बात की, अच्छी भी लगती है आपको इनकी बातें? अरे अरे, बहुत सज्जन पुरुष है, ये कटाक्ष करते हुए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे ही मैं आदर के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने एक बात की कि शिवराज सिंह जी को समझना आसान है। और आप समझ पाए कि नहीं उमा जी, अब तक अपने बॉस को तो मंत्री कैसे होता? अच्छा, मंत्री बनने अच्छा नहीं, लेकिन एक सेकंड, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आ रहा हूँ सीबीआई की बात पर आ रहा हूँ कि अभी भी शिवराज सिंह जी ने सबकी आंखों में धूल डालने का काम किया है। 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 12 साल से, इनको नहीं मालूम कि सीबीआई जांच के लिए डीओपी को लिखना पड़ता है, न कि हाईकोर्ट को लिखना पड़ता है। और इनका केंद्रीय राजनाथ सिंह जी जो होम मिनिस्टर हैं, वो कल रात तक बयान देते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होगी। इनका कानून मंत्री कहता है कि जरूरी थोड़ी है कि ऐसी हर चीज पर प्राइम मिनिस्टर बोलता है, वो कहता है सिंपल बात, छोटी बातें, प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा, किस पर बोलेगा? किर्गिस्तान में क्या हो रहा है, किर्गिस्तान में क्या हो रहा है, कजाकिस्तान के किसानों की क्या हाल है, ये सब हम जानते हैं मोदी जी के जरिए, सब पूरा वो ट्विटर पे हर एक घंटे पे कुछ ना कुछ चिड़िया। लेकिन मध्य प्रदेश की मौतों के बारे में बोलने का समय नहीं है, मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में बोलने का समय नहीं है। आपके प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? लगता है कि हमारे कांग्रेस के साथी बड़ी ताली बजा रहे हैं, जरा 10 साल के प्रधानमंत्री की हालत देख लें कि वो कितना बोलते थे, उनको तो कोई हक नहीं है। और ये जो बोलती अब निकल रही है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में निकल रही है, लेकिन हाँ, और जितने मरे आज तक कांग्रेस की सरकार में किसी घोटाले में इतनी निष्पक्षता से जांच नहीं हुई जितनी निष्पक्षता से व्यापम में जांच हुई है। और मध्य प्रदेश में 10 साल में दिग्विजय सिंह की सरकार में और कांग्रेस की सरकार, नियुक्तियां पर्ची पर हुई है, कोई नीति नहीं थी, और जिसका ये सब हमने किया है। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि उस समय कोई नियम नहीं था, कोई नियम नहीं था, नियुक्ति में लोग मर रहे हैं, और अगर बीच में अगर बोलने नहीं होगा, तुम्हारा नेता बोल ही नहीं पाएगा, तुम्हारा नेता बोल ही नहीं पाएगा, अगर बोलने नहीं होगा। ऐसे ऐसे एक सेकंड ऐसे नहीं होगा ना, अगर सब लोग साथ में बोलेंगे तो दर्शक किसको समझ पाएंगे? एक एक बोलने मत, कह रहे हैं पर्ची पर नौकरी हुई है कांग्रेस के सदन में, पर्ची की कॉपी बताओ, किसकी पर्ची पर किसने की है, किसकी नौकरी लगी है? नहीं सुनिए, देखिए, मैं हमारे यहाँ पे तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, वरना बड़ी दिक्कत होगी। क्या है एक्चुअल में, ये बौखला चुके हैं सरकार में 10 साल, मनमोहन सिंह चुप रहे। मैं एक सवाल पूछता हूँ इनसे, कराज जी बैठे हैं, मानता हूँ सारी चीजें होना चाहिए, संजीव सक्सेना भी घोटाले में है, क्या कहना है आपका? आप सब मिले हुए, सब मिले हुए इस मामले में, सब और जाने वाले हैं। अभी आपको नहीं मालूम है, पटवारी भर्ती में भी बैठे हैं कई लोग यहाँ पर, जिनके जाने वाले राहुल जी, यहाँ पे राहुल जी लोगों में बहुत रोष है, ये बहस गर्मा रही है और हम सीधे भोपाल लौटने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसके बारे में उमा भारती कहती हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त रहते हुए उन्हें डर लगता है। अब बताइए, इससे बुरी बात भाजपा की सरकार के लिए क्या हो सकती है कि पूर्व मुख्यमंत्री यह कहता है कि अपनी जिंदगी को लेकर डरता है और मध्य प्रदेश में उन्हें
पूछेंगे। मंत्री से एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक खास कार्यक्रम। हाँ के आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। ठीक हमारे पीछे इस वक्त व्यापम की वो बिल्डिंग है जहां पर एक कंप्यूटर में कैद थे तमाम रहस्य इस घोटाले के। एक शीट में बड़े से बड़े नाम और उन नामों की तहकीकात अब करेगी सीबीआई। मध्य प्रदेश सरकार ये कहती है कि उनकी तहकीकात बड़ी जबरदस्त चल रही है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा अभी जबलपुर से लौटे हैं। जबलपुर में उन्होंने डॉक्टर सकाले की मौत पर अपनी पड़ताल की और वहां पे आपने पुलिस वालों से बोला बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, कैसी चल रही थी? देखिए, एक साल हो चुका है डीके शाकल्य की जो मौत हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है, जो ये पूरा घोटाला हुआ था उसमें जो एमबीबीएस की भर्ती थी टीएमटी जो घोटाला हुआ उसके जांच के चेयरमैन थे। हम जब जांच अधिकारी के पास जाते हैं उनसे पूछते हैं कि अभी आपकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है, उनकी मौत कैसे हुई थी, क्या वजह थी उसकी, उनका कहना था कि हमें बयान लेना है कुछ लोगों से लेकिन हमारे पास अभी फुर्सत नहीं है। यानी एक साल उन्होंने कैमरे पे कहा, बिल्कुल कैमरे पे कहा कि हमारे पास अभी फुर्सत 365 दिन के बाद फुर्सत नहीं मिली है, 365 दिन की फुर्सत नहीं मिली। और जबकि हालत यह है कि उसी कॉलेज के दो दिन एक साल के अंदर एक ही तारीख में उनकी मौत हो गई। उमाशंकर जी, ये बहुत संगीन बात है, इसका आपको जवाब देना होगा। 365 दिन हो गए, मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि अब तक जो विटनेसेस हैं, जो उस केस से जुड़े लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। तहकीकात तो छोड़िए, चार्जशीट तो छोड़िए। नहीं, मुझे लगता है किसने क्या कहा है ये मेरे ध्यान में नहीं है और ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यद्यपि ये भी आप जानते हैं कि इसमें लगभग 2500 आरोपी बनाए गए और 2000 गिरफ्तार हुए हैं, 2000 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं 365 दिन में, और 500 लोग फरार भी हैं। 500 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं जिसके गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया ये कहना भी उचित नहीं है। कितने और लोग यहाँ पे मानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की एसटीएफ जो जांच कर रही है वो निष्पक्ष जांच है, कितने लोग मानते हैं? अच्छा एक सेकंड, मैं दूसरा सवाल पूछता, बैठिए मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। कितने लोग ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश, अरे एक सेकंड, मध्य प्रदेश की एसटीएफ जो जांच कर रही है वो ठीक नहीं है, ये कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए क्यों आप मान रहे हैं कि ये जांच ठीक है? बड़ा सिंपल मामला है, जिस एसटीएफ के अधिकारी और कर्मचारी की सीआर मुख्यमंत्री लिखेगा वो कहां से जांच करेंगे? जो मुख्यमंत्री निर्देश देंगे वो इस पूरे मामले में होगा, इसलिए जांच पूरे टाइम भटक रही है। और एसटीएफ के अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है या किसी कोई बड़ा नाम आ रहा है तो वो उसकी जांच। क्या आपको लग रहा है कि जो बड़ी मछली है व्यापम घोटाले की वो बच रही है और जिन लोगों ने पैसा दिया, जिन्होंने पैसा दे के भर्ती कराई वो तो गिरफ्तार हो रहे हैं? बोलिए। हमारे साथ यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं जो कि लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। बताएं, चलिए दुबे जी से बात होगी क्योंकि काफी इन्होंने पड़ताल की है व्यापम घोटाले को लेकर, और चूंकि हम करीब 50 मीटर की दूर होंगे व्यापम की बिल्डिंग से, तो ये बिल्डिंग भी बहुत नजदीक है और ये घोटाला भी यहीं पे हुआ, बड़े पैमाने का घोटाला हुआ, अब इसकी सीबीआई जांच करेगी। लेकिन क्या ये बात सही है कि लोगों को मध्य प्रदेश में रहते हुए डर लगने लगा है? ये सवाल पूछेंगे भोपाल की जनता से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।